तो आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। घर में सबके दूध आता है तो उसकी मलाई निकालेंगे, 7-8 दिन की मलाई जमा करके उससे हम मट्ठा निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे, घी निकालेंगे और भी 4 चीज़ें हमारी तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुक विद सईदा। मलाई से घी और मक्खन निकालने के लिए 7 से 8 दिन की मलाई हमने ये जमा कर ली थी फ्रिज में। सारी मलाई को हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में। तो हमने एक जो है जितनी भी मलाई थी इसमें ट्रांसफ़र कर दी। अगर इस टाइम पे आप चाहें तो एक बर्तन में डालकर इसका डायरेक्ट घी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें मक्खन निकालना है तो हमें इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। दही डालने से क्या होगा, एक तो मट्ठा भी निकलेगा और दूसरे जो मेरा देसी घी तैयार होगा उससे बहुत खुशबू आएगी। गाँव वगैरह का घी आप लाते होंगे या जो शुद्ध होता है वैसा, तो जो मार्केट का होता है उसमें खुशबू कम होती है जो घर में बनता है। और अगर आप डायरेक्ट मलाई से निकालेंगे तो उतनी खुशबू नहीं आएगी। आप दही मिलाकर इसको इस तरह बनाएंगे तो बहुत खुशबूदार आपका घी तैयार होगा। एक मिक्सी का जार लिया और इस तरह से इसमें हमें डालकर इसकी जो है थोड़े से आइस क्यूब भी डालेंगे। तो आइस क्यूब डालकर इसको हमें फेंट लेना है। अच्छा, अगर आप मथनी वगैरह से कोई बर्तन में भी डालना चाहें तो बर्फ़ डाल के डालेंगे ना तो मक्खन अलग हो जाएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा। आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आप बर्तन में भी कर सकते हैं मथनी से और आप इसे। ये बहुत ईजी हर घर में मिल जाती है। अगर किसी के यहाँ ना हो मिक्सी तब आप बर्तन में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 2 पैचेस में ग्राइंड कर लिया। इससे क्या हुआ, देखिए मेरी जो है क्रीम एकदम जो है मक्खन अलग हो गया है और ये देखिए इससे मट्ठा भी निकल आया और हमारी ये देखिए सब इस तरह से हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जार से सारा मक्खन निकाल लिया है और इसको हमें क्या करना है, हमने बर्फ़ जो डाली थी ना इसकी वजह से हमारा जो है एकदम सेपरेट हो गया मक्खन और जो है मट्ठा भी अलग हो गया। तो सारा हम इस तरह से निकाल कर इसके एक बॉल की तरह बना लेंगे ताकि इसका मट्ठा अलग हो जाए और हमारा जो है मक्खन अलग हो जाए। तो सारा हम निकाल लेते हैं इस तरह से दबा दबा के। तो देखिए इस तरह से हमारा मक्खन एकदम अच्छा, ये इसे मस्का भी बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा तैयार हो गया। इसको आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, रोटी पे भी खा सकते हैं, डायरेक्ट शक्कर डाल के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए मेरा मक्खन ढेर सारा निकला है और ये देखिए मट्ठा, मट्ठा आप जो है इसकी कढ़ी भी बना के खा सकते हैं। आप इसे मट्ठा इसे जीरे नमकीन वाला जीरा और काली मिर्च वगैरह लगा के भी पी सकते हैं, बहुत टेस्टी है। तो आप इसे हम एक कढ़ाई में डालकर इसका घी बना लेते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही इसको खा सकते हैं, आप चाहे इसका घी तैयार कर लीजिए। तो गैस ऑन करके हमने चढ़ा दिया है मक्खन एक पैन में। आप किसी भी बर्तन में पका सकती हैं। तो इसे इसको जो है इस तरह से छोड़ देंगे, चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल अभी गैस रखनी है। मक्खन देखिए हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और ये देखिए थोड़ा सा उबलने लगा, उबलने के साथ ही फटने लगा है। बहुत जल्दी इससे घी निकल आता है इस तरीके से। ये देखिए 5 मिनट भी हुए और जैसे ही ये फटा और ये देखिए हमारा घी सेपरेट हो गया। इसको हम थोड़ी ज़्यादा पका लेंगे, जितना ज़्यादा पका लेंगे उतने लॉन्ग टाइम तक आपका घी खुशबूदार और ख़राब नहीं होगा। तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें दही की मिक्सअप है। अगर आप डायरेक्ट मलाई बनाएंगे ना उसका घी निकालेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो जिस तरह हमने बताया इस तरह से आप जो है इसका मक्खन और मट्ठा और घी सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। तो इसे इस तरह से थोड़ी देर और पकाते हैं। तो अब गैस की फ्लेम बंद करते हैं और हमारा घी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और जो अंदर का ये देखिए है ये रेड सा हो गया, तभी हमारे जो है घी बहुत अच्छा तैयार होगा। इससे आप अगर वाइट वाइट रखेंगी तो घी आपका इतना खुशबूदार नहीं तैयार होगा। तो बस अब गैस की फ्लेम बंद कर दी, इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसे छन्नी से छान लेंगे। तो घी हमने छान लिया है, इसमें ये देखिए इस तरह का नीचे का निकला है। इससे आप जो रोटी के साथ या पराठा बना सकती हैं, आटे के साथ गूंद लीजिए, बस चीनी डाल के भी खा सकती हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो हमारी एक ही मलाई से कितना कुछ तैयार हुआ, ये देखिए इतना हमारा प्योर घी भी, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह से आप घी ज़रूर तैयार करें, ये बहुत अच्छा तरीका है घी बनाने का। तो देखा आपने इतनी सी मलाई से हमने कितनी चीज़ें तैयार की, ये देखिए हमारा घी भी प्योर तैयार हो गया ढेर सारा। अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।